नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। छत्तीसगढ़ की जेलों में कई सालों से बंद बेगुनाह आदिवासियों की जल्द आजादी की राह अब आसान होने वाली है। आदिवासियों की रिहाई के लिए भूपेश सरकार की रिटायर्ड जस्टिस ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की पहली बैठक हुई है और राजधानी में हुई इस बैठक में ए.के. पटनायक, राज्य के महाधिवक्ता कनक तिवारी, डीजीपी डीएम अवस्थी मौजूद रहे। प्रदेश में 4007 आदिवासियों में से कुछ ऐसे हैं जो जंगल से जलाऊ लकड़ी बीनने, शराब बनाने, माओवादी होने के आरोप और कोई जमानतदार नहीं होने की वजह से पिछले 17 से 18 साल से जेलों में बंद हैं। इनकी रिहाई के लिए पटनायक कमेटी ने 3 बिंदु तय किए हैं और इसी के तहत 1141 मामलों की अब समीक्षा होगी और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश आजाद होंगे आदिवासी में। कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। सरकार बनने के बाद ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया। अब कमेटी ऐसे मामलों की समीक्षा कर रही है। दरअसल बस्तर की जेलों में कई ऐसे आदिवासी 17-18 साल से बंद हैं, जिन पर नक्सलियों की मदद या स्लीपर सेल के तौर पर काम करने के आरोप हैं। कमेटी ने संबंधित अधिकारियों से 3 बिंदुओं के आधार पर 15 जून तक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर मामलों की समीक्षा की जाएगी। चर्चा है कि 4007 आदिवासियों को जेल से रिहा किया जाए। कमेटी की अगली बैठक 22 जून को होगी। शासन द्वारा नक्सल प्रभावित इलाके में आदिवासियों को विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा हेतु रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस माननीय श्री ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। मुख्य कमेटी के कल प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। इसमें प्रकरण की समीक्षा की गई थी और आने वाले समय में किस दिशा में इस प्रकरण को आगे ले जाना है और क्या रूपरेखा है इसके बारे में मोटे मोटे चर्चा हुई और केस टू केस उसकी समीक्षा की जाएगा, उसमें न्यायोचित कानूनी प्रावधान के तहत हम उसका आग्रह करेंगे। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो हमेशा रमन सरकार पर बेगुनाह आदिवासियों को जेल में बंद करने का आरोप लगाती थी। इसी सरकार ने फर्जी मुठभेड़ का मुद्दा भी जोर शोर से उठा और इसी का फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव आदिवासी भूपेश सरकार के फैसले लेकर सिर्फ आदिवासी समाज ने सरकार का आभार जताया। समाज के संरक्षक अरविंद नेताम का कहना है कि इस महत्वपूर्ण मसले पर जो नक्सली समस्या से संबंधित है बहुत से बेगुनाह लोग जेल में बंद। ये है कि एक महत्वपूर्ण मसले पर मध्य प्रदेश सरकार ने जो नक्सली समस्या से संबंधित बहुत से लोग जेल में बंद हैं आदिवासी, उसमें अधिकांश बेगुनाह है। लंबे समय से उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है और उनकी जमानत भी नहीं हो रही, कोई सुनने वाला भी नहीं। अब इसको समाज ने समय समय पे राज्य सरकार के समक्ष कहता भी रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ किया जाए, तो इस बार हम राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल ने जो फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में रिव्यू कर रहे हैं और जो बात छन के आई है अभी तो बहुत अर्ली है कि करीब 4,000 लोग छोड़े जाएंगे। वहीं आदिवासी इलाके से ताल्लुक रखने वाले उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी सरकार का आभार जताया। कवासी लखमा का कहना है कि सरकार आदिवासी हजारों आदिवासी तो छूट गए, अपना वकील पकड़ के अपना मुर्गी बेच के, अपना बैल बेच के, अपना बकरी बेच के, अपना जमीन बेच के छुटकारा पाया है और कुछ लोग तेलंगाना में पलायन किया है। जो बचे कुछ लोग सूख के डर के जेल गए हैं। मैं इस मुद्दा का विधानसभा पहले पूरा बस्तर में बोला था, अगर कांग्रेस का सरकार आएगा निर्दोष आदिवासी छूटेगा, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा।
बीजेपी ने भी सरकार के फैसले का स्वागत जरूर किया, लेकिन आशंका भी जताई है कि सरकार इसकी हार में घोर नक्सलवाद से जुड़े लोगों की रिहाई कर सकती है। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार ने किसी के खिलाफ सत्य की भावना से काम नहीं किया। कई गंभीर आरोपी, कोई नक्सलाइट से जुड़े आरोपी इसमें न छूटे, इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का रुख भी जो है वर्तमान कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के प्रति बड़ा नरम रुख है। कहीं ऐसा न हो कि सरकार इसका आड़ लेकर घोर नक्सलवाद से जुड़े लोगों की रिहाई कर दे। सरकार पे दोष देना उचित नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी, सरकार ने किसी के भी विरुद्ध बदले की भावना से काम नहीं किया। साल 2015 में सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन के अपहरण के बाद हुई रिहाई के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ चल रहे कानून के निपटान के लिए कुछ कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की कुल 10 बैठकें हुई, लेकिन आदिवासियों की रिहाई को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कमेटी ने 300 मामलों की समीक्षा की और 81 मामलों में आदिवासियों की जमानत का अनुरोध नहीं करने का सुझाव दिया। देश की जेल में बंद कैदियों में साफ की नकली और नक्सल मामलों के जुड़े और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। अरविंद नेताम जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। श्री चंद सुंदरानी हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आलोक पुतुल वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अरविंद जी आपके ही पास आना चाहूंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त हमने देखा था जो वादा किया गया था, अब उसको जमीनी धरातल पर उतारने की कोशिश राज्य सरकार भूपेश सरकार के द्वारा की जा रही है। एक अच्छी पहल है जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। जी, मुझे कुछ कहना? जी जी जी, रिएक्शन सर आपका। ओ, रिएक्शन आप जानना चाहते हैं? देखिए, ये ऐसी समस्या है जिसको बहुत सालों से जो आदिवासियों के साथ होता रहा है, इसको न केंद्र सरकार न राज्य सरकारें समझने की कोई प्रयास किया नहीं, पर समय समय पे समाज की ओर से इस बात को उठाता जा रहा गया था कि ताकि इसका कोई सलूशन निकले, निराकरण हो, पर नहीं हुआ। पर अंततः ये विधानसभा के पहले कांग्रेस पार्टी में ये बात विचार हुआ है और अपनी घोषणा पत्र में या जो भी है इस बात को कहा गया है कि हम इस पर विचार करेंगे और इसके पहल करेंगे, और उसका ये नतीजा है। अभी जो रिव्यू कमेटी मीटिंग 3-4 दिन पहले हुआ था, वो एक बहुत अच्छा कदम मानते हैं हम, समाज की ओर से स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को बधाई भी देते हैं और आगे जितना जल्दी कार्रवाई हो इस मामले पे होना चाहिए, यही हमारा कहना है। सुंदरानी जी, क्योंकि आप लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत भी आप लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी आदिवासियों पर ये जो केस है, ये आप भी मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि हाँ, आपकी जब 15 साल प्रदेश में सरकार थी तो इन पे ये केस दर्ज हुए हैं, तो पहल उस वक्त भी की जा सकती थी लेकिन नहीं हुई, और अब जब की जा रही है तो खुले हाथ से, खुले दिल से स्वागत क्यों नहीं? फिर देखिए, निश्चित रूप से उन चीजों का स्वागत होना चाहिए। अगर कोई किसी के खिलाफ कोई बड़ा आरोप नहीं है, छोटे छोटे आरोप हैं और लेकिन वो अदालत के चक्कर काटने या पुलिस के चक्कर काटने पड़े हों, या उसके बाद उनके पास वो साधन नहीं है जो केस डर सकें, ऐसी परिस्थितियों में उनके केस वापस लिए जाने, तो निश्चित रूप से स्वागत ही हो गया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। देखने में आया बस्तर में लंबे समय से नक्सल समस्या है। मैं तो कहूंगा कि जब संयुक्त मध्य प्रदेश था, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तब से ये नक्सल समस्या हमारे प्रदेश को जकड़ी हुई है। कई ऐसे भी लोग हैं जो बस्तर से पकड़े गए, जो नक्सलियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते रहे या उनके मूवमेंट का हिस्सा बने हुए थे। कहीं ऐसा न हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नजरिया नक्सलवाद के प्रति बड़ा नरम रुक रहा है। बातचीत की बात करते हैं, वो गोली की बात करते हैं, ये बातचीत की बात करते हैं। ऐसा न हो कि इसमें कुछ ऐसे लोग छूट जाएं
जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलवाद के समर्थक हो या उनके मूवमेंट के साथ रहे हो, तो इस बात की सावधानी बरतना होगा। ठीक है आलोक जी, जिस तरह से एक आशंका यहाँ पर श्री चंद्र सुंदरानी जी जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि निर्दोष नक्सलियों आदिवासियों को छोड़ने के चक्कर में जो गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं उनको कहीं ना छोड़ दिया जाए, इस तरह की चिंता ये जाहिर कर रहे हैं। सीआरपीसी 436A के तहत अगर ये पूरी कार्रवाई की जाती है तो ठीक है, अगर सीआरपीसी 436 के इतर अगर ये कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं लूप पोल्स भी सामने आएंगे। देखिए दो चीजें हैं, पहला तो पहलू तो ये है कि सरकार ने अगर कोई पहल की है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की कमिटी जो है बनाई गई है तो उस पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। दूसरा मसला ये है कि पता नहीं क्यों ये भ्रम हो गया है सबको कि छत्तीसगढ़ की जेलों में ठूस ठूस कर जो लोग भरे गए हैं उसमें ज्यादातर नक्सली हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो जेलों में बंद माओवादियों की संख्या है वो केवल 6% है, माओवादी होने के जो आरोपी हैं उनकी संख्या जो है केवल 6% है। तो ऐसे में बड़े नक्सली बड़े अपराधियों के छूट जाने की आशंका को जाहिर करना, अभी जबकि ये प्रोसेस में ही है चीजें, तो शायद हमको थोड़ा सम्मान करना चाहिए न्यायपालिका के तहत जो चीजें गठित की जा रही हैं, सरकार जो पहल कर रही है उस पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। जी बिल्कुल, वाकई में क्योंकि जल्दबाजी भी हो जाएगा। अरविंद जी, बड़ा सवाल ये भी है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जिन हम आदिवासियों को छोड़ रहे हैं वो छोटी ही घटनाओं में शामिल थे या छोटी छोटी चीजों को लेकर जिस तरह से रमन सरकार के वक्त इनको गिरफ्तार कर दिया गया गंभीर आरोप के तहत, और जिस तरह से आलोक जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ 6% ही ऐसे माओवादी हैं जो गंभीर वारदातों में शामिल रहे, क्योंकि कई ऐसे आदिवासी हैं जो जेलों में बंद हैं, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एक बड़ी प्रक्रिया है, एक बड़ा प्रोसीजर है सर। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कोई बहुत कठिन काम नहीं है। जो गंभीर अपराध और एक सामान्य अपराध के जुर्म आरोप लगे हैं, देखिए पुलिस के पास तो कौन कौन बहुत हार्ड कोर नक्सली है वो तो उनके पास है इन्फॉर्मेशन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में या उसको अलग करने में मैं समझता हूँ कि पुलिस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जो छोटे छोटे मैं देख रहा था प्रेस में कि जो रिव्यू कमेटी है उसने 3 कैटेगरी में बांटा है और जो गंभीर अपराध है उसको अलग कैटेगरी में रखा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो छोटे छोटे अपराध है उसको मैंने छोड़ने की बात कही जा रहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक पुलिस की एक परंपरा रही है कि किसी को भी यानी देखे गांव में तो नक्सली उसको डिक्लेयर कर दो, एक अंधाधुंध एक उनका अप्रोच रहा है जिसकी वजह से आज 10,000 से ज्यादा आदिवासी जेल में है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और हमें ये जो रिव्यू कमिटी है और जो रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में कर रहा है ये एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जो न्यायाधीश को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ उनकी इंटीग्रिटी और उनकी जो कार्यक्षमता को और जो टीम में होंगे उनसे भी मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे पूरा आशा है कि जो आप कह रहे हैं उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सुंदरानी जी, 4,007 ये तो सिर्फ एक एंटिटी है जो हमें जो फॉर्मल आंकड़ा बता रहे हैं कि इतने आदिवासियों में से कुछ ऐसे हैं जिनको जंगल में जलाऊ लकड़ी बीनने शराब बनाने और माओवादी होने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के अंदर ठूस दिया गया, जो 17 से 18 सालों से जेल में बंद है। 15 साल आप लोग सत्ता में रहे सर, क्या आप लोगों का जो पुलिस प्रशासन था जो सूचना तंत्र था क्या वो इतना निष्क्रिय था कि आप लोग ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए कि भाई ये गंभीर अपराधी हैं या छोटी मोटी घटनाओं में इनकी संलिप्तता है, अगर इनके पास पैसे नहीं है ये जमानत नहीं ले सकते हैं तो क्यों इनके लिए कोई मदद आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं मुहैया कराई गई? फिर देखिए हमारी सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने कभी दुर्भावना से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, एक भी उदाहरण प्रदेश में ऐसा नहीं आया कि किसी वर्ग के खिलाफ किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी समूह के खिलाफ या किसी पार्टी के कार्यकर्ता। जब जब
किसी अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। आज तो इतना जंगल राज आ गया चार महीने में कि सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर हुए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें 15 से 16 नक्सलियों को मार गिराया गया था, एक की भी डेड बॉडी आप लोगों ने दिखाई नहीं, मीडिया के सामने एक के बारे में भी जानकारी नहीं दी। वैसे तो हर हार्डकोर नक्सली के बारे में आप लोग विस्तार से मीडिया को भी जानकारी देते थे और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले जब लगातार पारदर्शिता को अपनाया है हमारी सरकार ने, कहीं पे भी एक भी दाग 15 साल में ये नहीं लगा कि किसी को दुर्भावना के चलते किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। जैसा ये चार महीने के शासन में अनेकों उदाहरण ऐसे सामने आए हैं कि किसी सिर्फ FIR दर्ज करना, लोगों को प्रताड़ित करना, दंडित करना, यही काम चल रहा है। आलोक जी, जिस तरह से सुंदरानी जी कह रहे हैं कि दुर्भावनावश इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई भी सरकार दुर्भावनावश नहीं की कोई भी कार्य करती, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह है कि जब जब एनकाउंटर हुए हैं और उसमें जब अगर हम सोनी सोरी की भी बात करते हैं तो जब भी फेक एनकाउंटर हुए हैं तो वो सबसे पहले मुखर होकर उन्होंने आवाज उठाई है और कहा है कि हाँ ये एनकाउंटर हुआ है, ये फेक है। और उसके बाद कई मरतबा तो ये भी ऐसी स्थिति भी हुई है कि नक्सलियों ने खुद पर्चे जारी करके कहा कि भाई ये जो एनकाउंटर के बारे में जो मीडिया में जानकारी दी जा रही है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, वो भी फर्जी है। तो कहाँ लूपहोल्स कहाँ था फिर सर? देखिए सुंदरानी जी जो बातें कह रहे हैं उनको अगर आंकड़ों की रोशनी में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आता है कि चीजें बहुत ही गड़बड़ हैं। 9 सालों के आंकड़े, बस्तर के इलाकों के जो आंकड़े हैं उनमें रिहा होने, बाइज्जत बरी होने के जो आंकड़े हैं वो 95% से ज्यादा हैं। यानी कोई आदिवासी किसी भी मामले में जेल में ठूस दिया जा रहा है और 6 साल, 7 साल, 8 साल, 12 सालों के बाद जो है उसे बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और ऐसे बरी होने वाले आदिवासियों की संख्या 95% से ज्यादा है। तो रमन सिंह के कार्यकाल में ये जो घटनाएं हुई हैं, इस तरह से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जेलों में ठूसने के जो काम हुए हैं, उसके आलोक में अगर देखें तो तथ्य तो यही नजर आते हैं कि आपने किसी को भी माओवादी बता दिया, किसी को भी समर्पित करवा दिया, इस तरह के आंकड़े लगातार सामने आते रहे हैं। दूसरा, जब एनकाउंटर की बात होती है और दूसरे तथ्यों की बात होती है, सुंदरानी जी जैसा कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों के कार्यकाल में कभी भी सवाल नहीं उठे, SC ST कमीशन ने, मानवाधिकार आयोग ने कई कई मामलों में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस रमन सिंह की सरकार के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की, गंभीर आरोप लगाए और कई मामलों में तो राज्य सरकार पर पेनाल्टी करने की भी बात कही गई। तो उन तथ्यों को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। ठीक, सुंदरानी जी जवाब दीजिए। देखिए, अलग अलग केस की अलग अलग बात होती है ना। जहां नक्सलवाद से जुड़े लोगों के ऊपर केस करने की बात है, चालान पेश करने की बात है, ये ठीक है कि पुलिस प्रशासन एक अपनी व्यवस्था संभालता है, उसमें डायरेक्ट डॉक्टर रमन सिंह जी या प्रदेश के मंत्री नहीं देखते ये सब काम, ये पूरा प्रशासनिक अमला तय करता है। प्रशासनिक अमले को ये अधिकार होते हैं, SP TI लेवल पे ही ये सारे निर्णय होते हैं। इसके लिए सरकार को दोषी नहीं बनाया जा सकता। कई सारे मामले आज भी होंगे, 55 साल कांग्रेस ने राज किया, कई सारे लोगों को आरोपी बनाया जाके कोर्ट में सब छूट जाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या आरोपी ना बनाया जाए या किसी को ना पकड़ा जाए, अपराधी को ना पकड़ा जाए, ये एक व्यवस्था होनी चाहिए। 10-15, 12 साल बाद बेगुनाह लोग अंदर जेल जा रहे हैं, गुनहगार छूट जाते हैं। सुनिए ना, जिन बेगुनाह लोगों को अगर 10 साल 12 साल बाद अगर रिहा किया गया है, आप ही की जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त भी रिहाई हुई है, ऐसा नहीं कि इस वक्त रिहाई हुई, उस वक्त भी हुई है, उनका तो पूरा जीवन 10 से 12 साल हमने किया है ना रिहाई। लेकिन सर वो 10 से 12 साल का हिसाब कौन देगा सर? नहीं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है अगर
किसी के खिलाफ आरोप है, 12 साल जेल में रहता है और उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाता, पुलिस की नाकामी सिद्ध होती है, तो कहीं ऐसे में सर, ऐसे में जिम्मेदार पुलिस प्रशासन पर, आपके जिम्मेदार अधिकारियों पर, आपकी जिम्मेदार सरकार पर पेनल्टी क्यों नहीं? एक इंसान की जिंदगी अगर 10 से 12 साल अगर जेल में चली जाती है और उसके बाद आप करते हैं ये एक दुर्भाग्यपूर्ण। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो सर कौन करेगा ये जिम्मेदारी तय? और दंडित किया जाना चाहिए जी। तो सर कौन करेगा जिम्मेदारी तय? अरविंद जी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ कह देना काफी है कि वाकई में अब हम कोई नई नजीर देखेंगे। जिस तरह से सुंदरानी जी तो ये कह के तो उन्होंने कन्नी काट ली कि भाई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। क्या हम ये नजीर आपके क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरह के परिवर्तन हो? देखिए, मैं जब से राजनीति शुरू किया है तब से मैं इस समस्या को, क्योंकि बस्तर से आता हूँ तो अध्ययन करता रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी इस बात को जितने लिटरेचर मिले पढ़ने की कोशिश किया। सुंदरानी जी की बात को मैं सुन रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में और प्रदेश में इस समस्या को अगर कोई भी राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करेगा कभी सफल नहीं होंगे इस समस्या का समाधान का। कहीं ना कहीं ये समस्या इतनी गंभीर हो गई है और कोई एक राजनीतिक समस्या नहीं है, सामाजिक है, आर्थिक है, प्रशासनिक है और बहुत से कमियां हैं सिस्टम में।